देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवा घाटी पंचायत के रमनिटार गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण गांव के लोग डेढ़ वर्षों से अंधेरे में रहने को विवश हैं। उपभोक्ता मशरफ अंसारी, जितेंद्र सिंह, अरुण कुमार बर्नवाल, महावीर बर्नवाल, जमाल अंसारी, उद्दीन अंसारी, निवास कुमार बर्नवाल, हुसैन अंसारी, बलदेव मोदी समेत कई लोगों ने बताया कि गांव में 63 KV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो एक वर्ष पूर्व जल गया था और खराब पड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर जलने की सूचना विभाग के अधिकारियों को मोबाइल पर एक साल पहले दी गई, पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण 10 अक्टूबर 2020 को कनीय अभियंता विद्युत आपूर्ति विभाग के जमुआ स्थित कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया। इसके बाद भी आज तक ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया है। विभाग के अधिकारियों के उदासीनता रवैया के कारण उपभोक्ताओं को अंधेरे में रात गुजारना पड़ता है। उपभोक्ताओं ने बताया कि हम लोग बिजली बिल भी जमा करते हैं, इसके बाद भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बताया कि यह सुदूरवर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस समस्या को सुनने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है, जिसके कारण गांव के उपभोक्ताओं का विभाग के प्रति आक्रोश है। उपभोक्ताओं ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से 180 से 185 कंज्यूमर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अधिक लोड रहने के कारण बार बार यह समस्या उत्पन्न होती है। उपभोक्ताओं ने 63 KV को बदलकर 100 KV की ट्रांसफार्मर की मांग की है। आवेदन में फूलों मियाँ, इस्माइल अंसारी, आदम अंसारी, जमाल अंसारी, जलील मियाँ, अब्दुल अंसारी, अलीजान अंसारी, पवन कुमार, लखनलाल मोदी समेत दर्जनों से अधिक लोगों का हस्ताक्षर है। क्या हुआ है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर जल गया है, एक साल से जल गया है। तो क्या इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? दिए थे, लेकिन कहाँ सुनवाई कुछ कर रहा है। कितना घर है आप लोग जो इस ट्रांसफार्मर से जलता है यहाँ पूरे, मतलब लगभग 150 से ऊपर होगा। तो इतना लोग आप लोग अभी कैसे रह रहे हैं? सब इसी तरह सब अपना लैंटेन अंधेरा में रह रहे हैं। हाँ, इसी तरह।